तो ज़रा बात कर लेते हैं कि सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद इससे कोई फ़ायदा भी हुआ या नहीं। 4 साल यूज़ करने के बाद इस सिस्टम की जो है वो फीडबैक किस तरह का है। जिनको कंपनी के 330 वाट के पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल थे, टोटल 6 पैनल जो है वो मैंने इंस्टॉल किए थे। ये पैनल जो है वो 11,000 का 330 वाट का पैनल था, जिसका मतलब ये था कि इसकी जो पर वाट अगर प्राइस की बात करें वो तकरीबन 30 से 33 रुपए के दरमियान में थी। अंदर इंस्टॉल होने वाले सोलर इन्वर्टर की आप अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इनवर्क्स का एक्सपर्ट 3.2 किलोवाट का जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पर मैंने फिनिक्स की TX1800 जो कि 230 एम्पीयर के अंदर आती थी वो वाली 2 बैटरी मैंने इंस्टॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आइडियल सोलर को। आइडियल सोलर की आज की जबरदस्त वीडियो में मैं आपके लिए तस्वीर लेकर आया हूँ इस सोलर सिस्टम की, जो कि आज से 4 से 5 साल पहले मैंने अपने घर के ऊपर इंस्टॉल किया था। ये 3 किलोवाट का सिस्टम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज से 4 से 5 साल पहले जब हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया था तब इसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, इन 4 से 5 सालों में इस सिस्टम ने हमें कितना फ़ायदा दिया है या फ़ायदा दिया भी है कि नहीं दिया। इसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं, पैनल्स कितने लगे थे, इन्वर्टर कौन सा लगा था, बैटरीज कौन सी लगी थी, और इन 4 से 5 सालों का जो इस सिस्टम का पूरा जो फीडबैक है, जो रिव्यू है, जो इसका यूज़र एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, वो सारी तफसील आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही आपको मैं थोड़ा सा प्राइस का जो कंपैरिजन करके भी बताऊंगा कि अगर 4 साल 5 साल पहले की बात करें तब इन पैनल्स की जो है वो क्या प्राइसेस थी जब हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया था। आज अगर अप्रैल 2023 की बात करें, आज की डेट में अगर आप सेम इस तरह की जो सोलर प्लेट अगर आप परचेज़ करते तो कितनी प्राइस का जो है वो फ़र्क आ गया है, कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं। इन्वर्टर की बात करें तब कितने का इन्वर्टर था, आज इन्वर्टर की क्या प्राइस है। बैटरीज की बात करें जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल की थी तब बैटरीज कितने की हमें कॉस्ट की थी, आज की डेट में अप्रैल 2023 में इनकी क्या प्राइसेस है, और सिस्टम का ओवरऑल एक रिव्यू आपको देखने को मिलेगा 4 से 5 साल इस्तेमाल करने के बाद सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की रही है, और क्या आपको भी अपने घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, लॉन्ग टर्म जो है इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान आता है, सारी तफसील आपको आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों बिना देर के हुए चलते हैं आइडियल सोलर की आज की इस वीडियो की तरफ। तो अगर बात करें इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होने वाले सोलर पैनल्स की, तो जो दोस्त इस चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा जब मैंने सिस्टम इंस्टॉल किया था तब की वीडियोज़ भी चैनल के ऊपर मौजूद हैं, उन सब वीडियोज़ के लिंक्स भी मैं दे दूँगा। अगर बात करें सोलर पैनल्स की, तो उस वक्त हमने इसके अंदर जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए थे वो जिनको कंपनी के 330 वाट के पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल थे। आज से अगर 4 से 5 साल पहले की बात करें तब टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ या तो मोनो पैनल आते थे या पॉली के अंदर आते थे, और मोनो और पॉली के अंदर जो डिफरेंस था ये था कि जो पॉली सोलर पैनल होते थे वो गर्म इलाकों के लिए मौजूद होते थे, जिस तरह मैदानी इलाके हैं, पंजाब का एरिया होगा, इसी तरह जो मोनो सोलर पैनल होते थे वो ठंडे इलाकों में जो है वो ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी आपको देखने को मिलती थी। तो उस वक्त के लिहाज से जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो ये दो ही थी, क्योंकि ये पंजाब के एरिया, तो यहाँ पर मैंने पॉली सोलर पैनल का इंतखाब किया था। तब की अगर बात करें तब जो लेटेस्ट पैनल आते थे वो 330-325 वाट की कैटेगरी में आते थे। तो उस वक्त मैंने जिनको के 330 वाट के टोटल 6 पैनल जो है वो मैंने इंस्टॉल किए थे। इन पैनल की अगर प्राइस की बात करें तो आज से 4-5 साल पहले ये 330 वाट का जिनको कंपनी का जो पॉली सोलर पैनल है ये 11 से 12 हज़ार के दरमियान में एक पैनल की जो है वो प्राइस थी। और अगर इसके अंदर सिस्टम के अंदर जो पैनल की टोटल क्वान्टिटी की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर हमने जो है वो 6 पैनल इंस्टॉल किए थे, और 330 वाट के 6 पैनल को अगर हम मल्टीप्लाई करें वो तकरीबन 2000 से 2200 वाट तक का सोलर सिस्टम बनता है। यहाँ पर इन पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए हमने जो स्ट्रक्चर का यूज़ किया है वो आप देख सकते हैं कि गैल्वनाइज L2 यहाँ पर हमने स्टैंड यूज किए हैं, 6 पैनल यूज हुए हैं यहाँ पर। तो 6 पैनल को इंस्टॉल करने के लिए 3 L2 के स्टैंड जो है वो यहाँ पर हमने इंस्टॉल किए हैं। ये रस्ट्री स्टैंड थे। आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो तब इनको इंस्टॉल किया गया था। आज 4 से 5 साल के बाद भी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई रस्ट वगैरह नहीं आई, सिर्फ जो इनके नट बोल्ट है उनके ऊपर जंग वगैरह लगा है क्योंकि वो गैल्वनाइज नहीं थे, बाकी जो स्टैंड है वो क्योंकि रस्ट फ्री थे, और 4-5 साल के बाद भी इसके ऊपर कोई रस्ट वगैरह नहीं आई। दोस्तों अगर इन पैनल्स की कीमतों को आज की जो पैनल्स की कीमतें उनके साथ कंपेयर किया जाए तो तब ये पैनल जो है वो 11,000 का 330 वाट का पैनल था, जिसका मतलब ये था कि इसकी जो पर वाट अगर प्राइस की बात करें वो तकरीबन 30 से 33 रुपए के दरमियान में थी। आज 2023 में अगर अप्रैल की बात करें आज पैनल की जो कीमतें वो तकरीबन 100 से 110 रुपए पर वाट के ऊपर जा चुकी हैं, और क्योंकि ये जो पैनल है 330 वाट का ये पहले आते थे, अब किसी भी कंपनी में ये पैनल जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होते, अभी पैनल आ रहे हैं 540 वाट के, 550, 560 वाट के। तो प्राइस को अगर कंपेयर किया जाए तो 330 वाट का पैनल अगर आज की रेट में होता तो तकरीबन 30 से 35 हज़ार के दरमियान में इस एक पैनल की जो प्राइस होनी थी, यानी कि अगर 4 से 5 साल पहले की कीमतों को कंपेयर किया जाए तो आज इन पैनल की जो कीमतें हैं वो तकरीबन 3 से 4 गुना जो है वो बढ़ चुकी हैं। इसके अंदर इंस्टॉल होने वाले सोलर इन्वर्टर की आप अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इनवर्क्स का एक्सपर्ट 3.2 किलोवाट का जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया था। आज से अगर 4 साल पहले की बात करें तब हाइब्रिड इन्वर्टर्स में और ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की कैटेगरी में इतने ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। आज अप्रैल 2023 में तो आपके पास अगर आपने 3 किलोवाट का इन्वर्टर लेना है आपके पास 10 से 15 कंपनियों को जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है, डिफरेंट प्राइसेस हैं, लेकिन 4 से 5 साल पहले कुछ सिनेरियो जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले सिर्फ इंद्रक्स कंपनी में मोस्टली जो है वो हाइब्रिड इन्वर्टर इस कैटेगरी में आ रहे थे। तो मैंने इन्वर्टर जो है वो इंद्रक्स का लगाया था एक्सपर्ट 3.2 किलोवाट।
कीमत की बात करें, आज से 4 साल पहले वो इन्वर्टर तकरीबन 55,000 रुपये का था जब मैंने वो इंस्टॉल किया था। और अगर आज के इन्वर्टर के साथ वो कंपेयर किया जाए तो इस कैटेगरी में जो आजकल के इन्वर्टर आ रहे हैं 3 किलोवाट में, वो तकरीबन 1,80,000 रुपये से लेकर 2,20,000 2,30,000 के दरमियान उनकी कॉस्ट आ रही है। यानी कि इन्वर्टर की जो प्राइसेस है वो भी तकरीबन 3 से 4 गुना जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अगर दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर मैंने फिनिक्स की जो है वो टाल ट्यूबल बैटरी यूज़ की थी, क्योंकि ये इन्वर्टर जो है वो 24 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने फिनिक्स की TX 1800 जो कि 230 एम्पीयर के अंदर आती थी, वो वाली 2 बैटरी मैंने इंस्टॉल की थी। आज वही TX 1800 जो है वो 185 एम्पीयर की कैटेगरी में आती है, और TX 2500 के नाम से जो बैटरी आती है वो 230 एम्पीयर में आती है। लेकिन आज से 4-5 साल पहले की अगर बात करें तब TX 1800 जो है वो फिनिक्स के अंदर 230 एम्पीयर के अंदर आती थी, वो बैटरी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की थी। बैटरी की अगर तब की प्राइस की बात करें, तब वही जो 230 एम्पीयर की टाल ट्यूबल बैटरी थी 1 साल वारंटी के साथ, वो तकरीबन 22 से 23 हज़ार के दरमियान में इसके ऊपर कॉस्ट आई थी एक बैटरी के ऊपर। यानी कि 230 एम्पीयर की दो जो बैटरी थी वो मुझे 45 से 46 हज़ार के दरमियान में पड़ी थी। और अगर इन प्राइसेस को आज की डेट की अप्रैल 2023 की प्राइस के साथ कंपेयर किया जाए, तो आज यही बैटरी जो है वो 230 एम्पीयर में सेम मॉडल है, सेम बैटरी है, इसकी प्राइस की बात करें आज यही बैटरी 70 से 75 हज़ार के दरमियान में जो है वो मार्केट में आपको मिल रही है। यानी कि तकरीबन ये समझ लें आपकी बैटरी की जो प्राइसेस थी तब के साथ अगर कंपेयर किया जाए आज से 4 साल पहले के साथ, तो तकरीबन 4 से 5 गुना जो है वो बैटरी की प्राइसेस भी हम इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अब दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं कि सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद इससे कोई फ़ायदा भी हुआ या नहीं, 4 साल यूज़ करने के बाद इस सिस्टम की जो है वो फीडबैक किस तरह का है, क्या आपको भी सिस्टम लगवाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो बात करें सोलर सिस्टम के हवाले से, क्योंकि ये सिस्टम जो है इसके ऊपर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। एक दफ़ा आपके इसके ऊपर आपने समझ लें कि 2 से 3 साल का जो इकट्ठा बिल होता है वो आपने एक दफ़ा दे देना होता है, उसके बाद 25 साल इसने आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर से बिजली बनाकर देनी होती है। अगर बात करें इसके ऊपर आने वाली जो इंस्टॉलेशन के बाद जो कॉस्ट आती है वो आती है सिर्फ बैटरियों के मेंटेनेंस के ऊपर, लेकिन उसके अंदर भी अगर आप बैटरी वो लगवा लेते हैं जो कि बिल्कुल लो मेंटेनेंस होती है, जिस तरह मैंने यहाँ पर ट्यूबल बैटरी लगाई है फिनिक्स की जो कि 1 साल उसकी वारंटी होती है, 4 से 5 साल कंपनी कहती है उसकी लाइफ होती है। आज इन बैटरी को इंस्टॉल हुए तकरीबन 4 साल हो गए, बल्कि आज ये 5वां साल जा रहा है, अभी तक तो ये बैटरियाँ बिल्कुल बेहतरीन जा रही हैं। बैकअप थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसके ऊपर दोबारा मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। और जो सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो सोलर पैनल की जो लाइफ होती है वो 20 से 25 साल होती है, और जब तक सूरज की रोशनी आती है सुबह से लेकर शाम तक ये बिजली बनाते रहते हैं। इसको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, एक तो आपने पैनल को वॉश करना होता है। अगर बात करें ये सिस्टम कितनी सेविंग करके दे सकता है, तो इस तरह का जो सिमिलर सोलर सिस्टम होता है वो हर महीने आपको तकरीबन 200 से लेकर 250 के करीब यूनिट से वो बना के दे सकता है। यानी कि आपका जितना भी बिजली का बिल आ रहा है उसमें से 200 से लेकर 250 यूनिट से वो ये आपको सेव करके देगा। यहाँ पर मेरे घर के अगर लोड की बात करें तो यहाँ पर 2 AC हैं, 1 फ्रिज है, 1 पानी वाली मोटर है, कुछ पंखे हैं, और इन सब की जो टेस्टिंग की वीडियो है वो भी चैनल के ऊपर मौजूद है। मैं उसकी आपको लिंक जो है वो वीडियो के अंदर दे दूंगा, जिसके अंदर आप इस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो देख सकते हैं कि किस तरह करके वो सारा लोड मैं मैनेज करके इस सिस्टम के ऊपर चला रहा हूँ। और बात करके सेविंग की, तो ऑब्वियसली जब आप एक सिस्टम लगवा लेते हैं उसके बाद शुरू में तो लगता है कि आपकी इसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन इन 4 सालों के अंदर यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी दफ़ा इस तरह के भी हुआ कि हफ्ते हफ्ते के लिए जो है वो ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, बिजली चली गई है, कुछ इस तरह के मामला बन गए, कभी बारिशें की वजह से जो है वो ट्रांसफार्मर में मसला बन जाते हैं। तो उस सूरत में आपका जो ये ज़ाती बिजली घर है ये आपको बिजली बना के देता रहता है। पिछले 1-2 साल में आपने ये भी देखा कि साल के अंदर 1-2 दफ़ा जो है वो पूरे पाकिस्तान में बिजली का जो है वो शट डाउन हो जाती है, बिजली बंद हो जाती है। तो उस सूरत में भी जिन घरों में सोलर सिस्टम लगा होता है वो बिल्कुल अपना जो लोड है वो चला रहे होते हैं, चाहे उसके अंदर पानी वाली मोटर हो, इस्त्रियाँ हो, पंखे हो, फ्रिजेज हो, जो भी उनका घर का लोड होता है वो, क्योंकि उनके पास सोलर सिस्टम लगा होता है, दिन के टाइम सूरज की रोशनी होती है, वो अपनी बैटरियाँ भी चार्ज कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपना सारा जो लोड है वो सोलर के ऊपर चला रहे होते हैं। तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप एक छोटे से बिजली घर के मालिक बन जाते हैं। आपके पास अगर बिजली आ रही है वापडा की या लोड शेडिंग हो रही है, आपको उसकी टेंशन नहीं होती। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे घर का सिस्टम है इसके मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके काम आएगी। अगर आप भी अपने लिए एक सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या सोलर सिस्टम के हवाले से आप हमारी कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, तो अभी दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 03154286666। इस नंबर के ऊपर आप कॉल या व्हाट्सअप करके सोलर के हवाले से कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी कोटेशन चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में एक नए सोलर प्रोजेक्ट के साथ, एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने मेज़बान इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।